हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज़ वीडियोस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉयलर एक ट्यूबलेस लॉजिक सिस्टम। इससे पिछला एक पार्ट हमने बनाया था एक ट्यूबलेस लॉजिक सिस्टम का सेटिस्फैक्टरी बॉयलर स्टार्टअप प्रोसेस। स्टार्टअप प्रोसेस का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, एक दो स्लाइड बचा है तो उसका हम बारे में बात करेंगे। तो आज का मेन जो हमारा टॉपिक है ऑयल सिस्टम, एक्टिव फ्यूल्स का तो दूसरा पार्ट है ऑयल सिस्टम। सो टुडेज वी गोना टॉकिंग अबाउट आवर ऑयल सिस्टम, इंडिविजुअल ऑयल सिस्टम इन थर्मल पावर प्लांट। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल ऑल इन वन कॉन्सेप्ट में आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है ये बेल आइकन प्रेस कीजिए फॉर our latest update. So let's start. So हमने पिछला वीडियो में यहाँ तक बात किया था कि MFT अगर रिले ट्रिप होना है तो क्या हो जाता है कि बॉयलर के में जितना सारा पार्ट्स पारमेंसिप जितना सारा हमारा यहाँ पे क्या इंटरलॉक्स है वो कुछ भी अगर हाई हो जाता है, मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो MFT रिले ट्रिप हो जाता है, मतलब यूनिट आपका ट्रिप हो जाता है। मतलब जैसे कोई यूनिट में फ्लेम स्कैन नहीं है, नो फ्लेम इन स्कैनिंग बाय दिस स्कैनर। सो अगर फ्लेम ही नहीं है तो कैसे कैसे मतलब स्टीम कैसे बनेगा? अगर फ्लेम नहीं स्कैन कर रहा है अपना स्कैनर तो स्टीम कैसे बनेगा? तो तुरंत आपका बॉयलर ट्रिप हो जाएगा। सो जैसे जैसे कि ये वाला एग्जांपल, जैसे फर्नेस प्रेशर वेरी हाई, मतलब फर्नेस प्रेशर में कितना प्रेशर, जितना हमारा एडिक्वेट प्रेशर, जैसे हमारा 210 मेगावाट का जैसे फर्नेस प्रेशर का कितना रहता है, नेगेटिव में रहता है, ठीक है? अगर 210 अगर सिस्टम नेगेटिव में रहता है, फर्नेस प्रेशर अगर हाई हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है? तो आग आपका बाहर आ जाएगा, जो पीक होल है पीक होल से आग बाहर आ जाएगा और आपका प्रॉपर हीटिंग नहीं होगा, मतलब सुपर हीटर डी हीटर हीटिंग नहीं करेंगे तो आपका स्टीम जो है डी सुपर हीटिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब स्टीम प्रॉपर नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा। सो मैनी प्रॉब्लम अराइज अबाउट दैट। सो ऑल ऑफ दिस अगर और गेट में आ जाता है तो रिले एक्टिव हो जाता है तो आपका जो फारनेस है वो ट्रिप हो जाता है। सो टू यहाँ तक हमने बात किया था, तो आज हम यहाँ से बात करेंगे न्यू टॉपिक यूनिट नो कुछ बच गया था ये वाला, यहाँ से बात किया था तो इसके बाद दो दो तीन स्लाइड है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यूनिट लॉजिक MFT सीक्वेंस यूनिट लॉजिक का MFT सीक्वेंस, मतलब MFT मतलब मेन फ्यूल टैंक जो रिले है वो कैसे काम करेगा, मतलब अगर वो ट्रिप करता है तो कैसे ट्रिप करता है, मतलब ट्रिपिंग का जो प्रोसीड्योर है वो कैसे कैसे होता है। पहले तो क्या करेगा, वो ट्रिप ऑल मिल्स, मतलब जो आपका कोल मिल है 5 या 6 6 या 8 जितना सारा कोल मिल है वो क्या हो जाता है, पहले कोल मिल को ही ट्रिप कर देता है, मतलब पहले कोल मिल आपको ट्रिप कर देता है, मतलब बॉयलर में आपका और कोई कोल ना जाए तो कोल मिल पहले ट्रिप होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ट्रिप ऑल फीडर्स, फीडर में ट्रिप होता है, जो आपका CHPC से जो कोल आ रहा है फीडर से, ठीक है, फीडर से क्या कहाँ तक आता है, मिल से कहाँ जाता है बॉयलर में फर्नेस में। सो क्या हो जाता है, पहले मिल ट्रिप हो जाता है, उसके बाद क्या करे फीडर ट्रिप करता है, जैसे फीडर उसके बाद क्या करता है, ट्रिप ऑल PFNs, मतलब PFNs आपका ट्रिप हो जाता है। PF मतलब प्राइमरी एयरफेन, प्राइमरी एयरफेन क्या करता है, जो PFN का प्राइमरी क्या करते हैं, जो मिल में जो आपका कोल डस्ट बन रहा है, ठीक है, तो कोल क्या होता है, क्रशिंग होता है ना मिल में, तो क्रशिंग कोल जो पहुंचाने का काम करता है बॉयलर तक वो PA करता है, मतलब प्राइमरी एयरफेन, तो प्राइमरी एयरफेन भी ट्रिप करता है, मतलब मिल आपका ट्रिप होगा क्या करेगा एयर देखे, तो PFN भी ट्रिप हो जाता है। उसके बाद HFO ट्रिप वाल्व, मतलब
क्लोजिंग एच एफ ओ ट्रिप वाल्व, मतलब क्या हो जाए, एच एफ मतलब फ्यू हैवी फ्यूल वाल्व, तो हैवी फ्यूल वाल्व का जो गेट है वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि जो भरनेस में कोल नहीं आ रहा है तो ऑयल से चलाना मुश्किल है, क्योंकि ऑयल एक्सपेंसिव है, तो और सो इसीलिए ऑयल क्लो ये भी ट्रिप हो जाता है। सो उसके बाद क्या हो जाता है, ऑयल एलिवेशन नोजल वाल्व। ऑयल एलिवेशन में जितना सारा नोजल है, जैसे कोल नोजल, कोल का जितना सारा नोजल है, ए बी सी डी एफ, जितना सारा नोजल है सब ट्रिप हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है, फिर ऑल एच ए जी भी कोल क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये होता है एम एफ टी सिक्वेंस। और ये वाला जो है आपका, ये जो स्क्रीन शॉट दिख रहा है, ये स्क्रीन शॉट है आपका एन टी बी सी रिहान यूनिट 3 का आपका स्क्रीन शॉट दिख रहा है। ये स्क्रीन शॉट में तो ये इसमें स्क्रीन शॉट में ये वाला जो विंडो है, विंडो में दिखा रहा है कॉजेस ऑफ बॉयलर ट्रिप एंड प्रोजेस, मतलब बॉयलर ट्रिप होने का कारण और पार्जिंग प्रोसीड्योर क्या क्या है और पार्जिंग सीक्वेंस क्या क्या है, पार्जिंग पार्ज पार्मेसी क्या क्या है, पार्ज सीक्वेंस क्या क्या है, और बॉयलर ट्रिप का क्या क्या कॉजेस हो सकता है। तो बॉयलर ट्रिप का कॉजेस ये देखिए पूरा पॉइंट ऑल पॉइंट दिया हुआ है, ऑल आईडी फैन ऑफ मतलब आईडी ऑफ हो जाता है, एफडी ऑफ हो जाता है, स्कैनर ट्रिप हो जाता है, इमरजेंसी ट्रिप अगर किसी ने मार दिया, फ्लेम अगर नहीं दिखा रहा है, लॉसेस ऑफ फ्यूल, ड्राम ड्राम लेवल वेरी लो, ड्राम लेवल वेरी हाई, लॉसेस ऑफ एफ टी प्लस 220 वोल्ट जो डीसी सप्लाई है वो बंद हो जाता है, एयर फ्लो और कम हो जाता है 30% से, बीएफपी ऑफ हो जाता है, बॉयलर फीड पंप जो ऑफ हो जाता है, मतलब इस कारण की वजह से इतना सारा जो पॉइंट है इस पॉइंट पे बॉयलर ट्रिप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है पार्ट फार्मेसी, पार्ट आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, पिछले वीडियो मैंने बता रहा हूँ, पिछले वीडियो अगर नहीं देखा होगा ऊपर में आप इसी टाइम देख सकते हो, ऊपर में ये वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो आइकन है वहाँ पे पहला वाला वीडियो इसमें डाला हो उसमें उसको देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, एफ टी प्लस पूरा सिस्टम। तो पार्ज पार पार्ज मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा मैं बता देता हूँ और बार एक बार थोड़ा ब्रीफ नहीं बताऊँगा, पार्ज क्या होता है, मतलब बॉयलर में जितना सारा अनबर्न पार्टिकल है उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए पार्मेसिप चाहिए, पार्मेसिप मतलब क्या हो जाता है, नो बॉयलर ट्रिप, बॉयलर कोई ट्रिप नहीं होना चाहिए। पार्मेसिप क्या हो जाता है, पार्मेसिप मतलब होता है, अगर पार्मेसिप होता है मतलब चालू करने के लिए क्या क्या आपको, मतलब चालू करने के क्या क्या लॉजिक चाहिए, मतलब ये वाला अगर ये सारा पॉइंट जो है आपका अगर ऑन मतलब ओके नहीं होगा तो बॉयलर पार्ट शुरू ही नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, जैसे कि ये फार्मेसी अगर समझने के लिए तो आपको एग्जांपल देंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक में चालू चालू करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या कुछ कुछ पार्टनरशिप चाहिए, पार्टनरशिप क्या होना चाहिए कि आपका गाड़ी में तेल होना चाहिए, ऑयल नहीं हो, ऑयल होना चाहिए, अगर गाड़ी में आपका पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगा, तो ये आपका पार्टनरशिप हो जाता है कि गाड़ी तो आपका है, पार्ट तो कर सकते हो, मतलब चला तो सकते हो, लेकिन आपके पास फ्यूल, गाड़ी चला सकते हो लेकिन गाड़ी आपको चलाने के लिए आपका पार्टनरशिप नहीं है, मतलब तेल ही नहीं है, तो आपको इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, सो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होना चाहिए बॉयलर पार्ट होने के लिए, जो एच ओ टी भी है, हेवी ऑयल ट्रिप वाल्व, और एल ओ टी भी है, लाइट ऑयल ट्रिप वाल्व, ये क्लोज होना चाहिए, फिर ऑल ऑल पी एफ एन ऑफ होना चाहिए, फीडर ऑफ होना चाहिए, हॉट एयर गेट क्लोज होना चाहिए, ये सब इतना सारा जो पार्टनरशिप है। उसके पार्टनरशिप सीक्वेंस क्या है, पार्ट सीक्वेंस क्या, पार्ट पहले रेडी होना चाहिए, मतलब इतना सारा पार्टनरशिप ओके होना चाहिए, उसके बाद ये ग्रीन जलेगा, अगर ग्रीन जल सकते हैं पाँच आप स्टार्ट कर सकते हो, पॉज पॉज टू स्टार्ट, अच्छा पॉज टू स्टार्ट मतलब पाँच मतलब ये भी ग्रीन हो जाता है, ये भी ग्रीन हो जाता है, नो एम एफ टी मतलब एम एफ टी रिले ऑन है। ठीक है, पार्जिंग कितने सेकंड के लिए आप करना, से मिनिमम 10-15 मिनट के लिए होता है, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, तो ये टाइम सेट यहाँ पे चेक कर सकते हो या सेट भी कर सकते हो। पार्ज कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आ जाता है, पार्ज इंटरप्ट, अगर पार्ज में कहीं मतलब रनिंग कंडीशन में अगर इंटरप्ट हो जाता है ये वाला यहाँ पे ग्रीन रेड दिखा देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ऑयल ट्रिप वाल्व ऑपरेशन लॉजिक। जो ऑयल ट्रिप वाल्व,
हाँ, जो यहाँ पे हमने देखा जा LOTV, लाइट ऑयल ट्यूब वाल्व, ठीक है, ये वाला वाल्व जो ऑयल ट्यूब वाल्व ऑपरेशन का क्या लॉजिक क्या है, मतलब ऑल नॉजल क्लोज होना चाहिए, HF को सप्लाई प्रेशर सेटिस्फेक्ट्री होना चाहिए, हीटर प्रेशर सेटिस्फेक्ट्री होना चाहिए, ये सब है। और स्कैनर एयर फैन लॉजिक, स्कैनर एयर फैन मतलब समझ रहे हो, स्कैनर एयर क्या, स्कैनर स्कैनर क्या करता है, फ्लेम स्कैन करता है। आज फ्लेम स्कैन करने के लिए फैन की क्या जरूरत है, मतलब क्या हो जाता है, फ्लेम जब स्कैन करता है ना, वहाँ पे बॉयलर में अंदर में टेम्परेचर कितना होता है, 1200 हज़ार ऐसा होता है, 1000-1200 टेम्परेचर होता है। उस कंडीशन में फ्लेम में स्कैनर में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको कूल करने के लिए स्कैनर एयर फैन लगा जाता है। तो स्कैनर फैन लॉजिक क्या है, लॉजिक चालू करने लॉजिक क्या है, इट मोनिटर द स्कैनर एयर डक्ट टू फर्नेस DP मतलब प्रेशर एंड एनसीओ द स्टार्टिंग स्कैनर फैन ए, और इन केस इफ इट फेल्स टू स्टार्ट स्कैनर एयर फैन बी। अच्छा, मतलब क्या हो जाता है, दो स्कैनर फैन होता है, अगर ए फेल हो जाता है तो दूसरा चालू हो जाता है। और दूसरा क्या है कि FD फैन इज नॉट रनिंग सो इनसो द फैन इमरजेंट ओपन, अगर FD फैन अगर नहीं चल रहा है तो स्कैनर इमरजेंसी इमरजेंसी डम्पर ओपन हो जाता है, ठीक है। सील एयर फैन का लॉजिक क्या है, सील एयर फैन क्या हो जाता है, कहीं अगर लीकेज हो रहा है तो वो लीकेज को ब्लॉक करने के लिए हम एक सील एयर फैन लगाते हैं, जैसे कि मोनिटर ऑल ऑल एयर हेडर टू कोल एयर डक्ट प्रेशर एन सी द स्टार्टिंग ऑफ सील एयर फैन ए एंड बी, मतलब ये इसका जो है अगर ये फेल हो जाता है बी पे प्रोवाइड एटलीस्ट 1 PA फैन इज रनिंग, ऐसा सिक्वेंस रहता है। चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा ऑयल एलिवेशन लॉजिक, ऑयल एलिवेशन लॉजिक का जो पार्ट है जितना, ऑयल एलिवेशन जो ABCDEF HA जो लॉजिक है, ये वाला एलिवेशन कैसे स्टार्ट होता है ये वाला पता नहीं। तो चलिए, ये वाला फिर से सिमुलेशन जो सॉफ्टवेयर है उसका स्क्रीनशॉट हमने दिया है, ऑयल एलिवेशन AB ऑयल एलिवेशन ए लाइट ऑयल के लिए। ये देखिए, ये कोल मिल का एलिवेशन है, ABCDEF G, ठीक है, ये कोल एलिवेशन है, ये ऑयल एलिवेशन है, ठीक। ऑयल एलिवेशन का हमने AB का लाइट ऑयल का लिया है, लाइट ऑयल का देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखा देगा। एटमाइजिंग एयर, एटमाइजिंग एयर मतलब ये स्टीम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ से आपको लाइट ऑयल जो वाल्व है, ये वाल्व क्या हो जाते हैं हार्स कॉर्नर में, देखिए बॉयलर ये अंदर फार्नेस है, ये फार्नेस में 1 2 3 4, ये चार आपको स्कैनर दिख रहा है, स्कैनर प्लस आपको नोजल दिखेगा, ठीक है, ये पूरा दिख रहा है, ये एटमाइजिंग एयर पूरा चारों में गया है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी है, और ऑयल भी चारों एलिवेशन में गया है, कॉर्नर में गया, ठीक है। पेयर जैसे ऑयल सिलेक्ट कौन सा ऑयल सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर LOTV चालू करना है, ठीक है। उसके बाद पेयर कौन सा पेयर है, 1 और 3 पेयर और 2 और 4 पेयर चालू करना है, कौन सा चल रहा है ये दिखाना है, ठीक है। उसके बाद जो AB एलिवेशन का जो AB ऑयल है उसको चालू करने के लिए क्या होना चाहिए, AB ऑयल ऑयल सिलेक्ट होना चाहिए, PR 1 2 3 चालू होना चाहिए, 1 3 चालू होना चाहिए, 2 4 चालू होना चाहिए, एटोमाइजिंग स्टीम। अच्छा, एटोमाइजिंग स्टीम का जो काम है, क्या आपको पता है एटोमाइजिंग स्टीम क्या करता है, एटोमाइजिंग स्टीम आपको करता है कि जैसे ऑयल आ रहा है ना, ऑयल ये नॉजल से आ रहा है, यहाँ पे गिरेगा, ऑयल यहाँ पे आ रहा है, अगर ऑयल आ रहा है तो ऑयल को ऑयल के साथ अगर हम पूरा अगर पूरा ऑयल ही हम भेजे तो उसका स्प्रेडिंग करने के लिए उतना पावर नहीं होगा, मतलब ऑयल का जो दाना दाना है, मतलब अगर ऑयल एकदम कोहरा की तरह गिरेगा तो क्या हो जाता है, आग जलने में आसानी होगी, अगर ऑयल अगर पूरा दाना दाना का कर गिर फोटा फोटा करके गिरता है तो उसको जलने में उतना दिक्कत होगी, क्योंकि फुल कम्बसन नहीं होगा, क्योंकि उसमें कार्बन पार्टिकल ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, स्टीम के साथ उसको भेजते हैं, एटोमाइजिंग स्टीम, स्टीम के साथ प्रेशर में उसको भेजेंगे तो क्या हो जाता है, पूरा एकदम धुआं के जैसे दिखेगा, पूरा जैसे कि लगेगा कोहरा हो रहा है, तो उसकी तरह अगर यहाँ से गिरेगा तो उसके तरह अगर इग्नाइटर यहाँ पे आग जला दिया तो क्या हो जाता है, पूरा एकदम
पूरा फुल कम्बसन होगा, उसमें कोई पार्टिकल रह नहीं जाएगा। तो इसके साथ एटोमाइजिंग एयर इसीलिए ऑयल के साथ हम देते हैं। ऑयल एलिवेशन लॉजिक, ऑयल एलिवेशन जो है तीन चार एलिवेशन जो है ए बी सी डी एफ जी एच, तो एलिवेशन का जो सीक्वेंस लॉजिक है ऐसे चलता है, पहले कॉर्नर वन कॉर्नर, चार कॉर्नर में रहता है, चार कॉर्नर में आपका रहता है गान रहता है, इग्नाइटर रहता है, फिर स्पार्क करना पड़ता है, फिर एटमाइजिंग वाल्व ओपन करना पड़ता है, ऑयल वाल्व ओपन करना पड़ता है, फिर सेंसिंग द डिस्कोनेटेड फ्लेम मतलब फ्लेम स्कैन करने के लिए फ्लेम स्कैनर रहता है, वो स्कैन करता है, फिर वो इग्नाइटर को बंद कर देता है, फ्लेम स्कैन हो जाता है, इग्नाइटर बंद हो जाता है। ऑयल एलिवेशन लॉजिक का जो स्टॉप फॉर ऑयल एलिवेशन, हेवी ऑयल ट्रिप वाल्व को लॉजिक है, मतलब ऑयल एलिवेशन का जो लॉजिक है कैसे लॉजिक काम करता है, ई पी आर में करता है। इसमें आपको देखिए ऑन कमांड स्टार्ट फॉर ऑयल, मतलब जो चार गान है ना, तो चार गान में क्या हो जाता है, पहले कमांड जाता है कॉर्नर वन में, मतलब पहले गान में आ जाता है, 15 सेकंड के बाद जाता है कॉर्नर थ्री में, मतलब 1 2 3 और 2 2 4, और फिर 15 सेकंड के बाद 2 में, और फिर उसके 15 सेकंड बाद 4 में, ऐसे मतलब लॉजिक चलता है। मतलब एक एलिवेशन पहले स्टार्ट होता है, मतलब एक कॉर्नर पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद उसका फिर अपोजिट कॉर्नर स्टार्ट होता है, ऐसा चलता है। ये सब पढ़ लीजिएगा, मतलब कुछ नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखा हूँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद मेन जो पॉइंट रहता है ऑयल फायरिंग पार्मेसी, ऑयल फायरिंग का जो पार्मेसी है क्या है, पार्च कम्प्लीट और एम एफ टी रिसेट एंड नॉट एम एफ टी एंड नो फास्ट आप फॉल्ट, मतलब पार्च कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद एच एफ ओ प्रेशर को जो है 25 kc से ज़्यादा होना चाहिए, एच एफ ओ टेम्परेचर 95 cc से ज़्यादा होना चाहिए, ये सब 210 के लिए है, ठीक है, ये सब याद रखना। इग्नाइटर एयर प्रेशर जो 200 mmWg मिलीमीटर वाटर गेज 200 mm से ज़्यादा होना चाहिए, इग्नाइटर एयर का जो प्रेशर है, इग्नाइटर ऑयल का जो प्रेशर है 10 kc से ज़्यादा होना चाहिए, नो लाइट ऑफ इन प्रोसेस प्रोग्रेस, लाइट अप मतलब ऐसे नहीं चलना चाहिए, नो बर्निंग स्टार्ट इन हैबिट, मतलब नो बर्निंग नहीं होना चाहिए, मतलब ऑयल स्टार्ट होने से पहले अगर कोई फ्लेम आ रहा है, फ्लेम भी नहीं होना चाहिए और बर्निंग कोई नहीं होना चाहिए। पार्मेसिक टू ऑयल, ऑयल बर्नर स्टार्टअप लॉजिक, ऑयल बर्नर जो है स्टार्टअप लॉजिक क्या है, ऑयल बर्नर स्टार्ट पुश बटन ऑन होना चाहिए, उसके बाद ऑयल अदर बर्नर स्टार्ट इन प्रोग्रेस, मतलब के बाद एक चालू हो जाता था। ऑयल बर्नर स्टार्ट सीक्वेंस क्या क्या है, सीक्वेंस मतलब स्टेप बाय स्टेप, ऑयल बर्नर सेकेंडरी एयर डंपर ओपन, ठीक है, ऑयल इग्नाइटर ऑयल मास्टर ट्रिप वाल्व ओपन, नो फ्लेम सेंस इन लास्ट 5 सेकेंड्स, मतलब ऑयल चालू कर रहे हैं मतलब क्या होना चाहिए, मतलब बॉयलर पहली बार स्टार्ट करो उसके पहले, उससे पहले कोई फ्लेम नहीं होना चाहिए, तो फ्लेम नहीं होना, जब तो फ्लेम रहेगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा, मतलब ये फ्लेम कौन का, फ्लेम स्कैनर। एनर्जाइज इग्नाइटर ट्रांसफार्मर, इग्नाइटर ट्रांसफार्मर एनर्जाइज करना है क्योंकि इग्निशन चालू करना है, तो इग्निशन चालू करने के लिए इग्नाइटर ट्रांसफार्मर चाहिए, स्पार्किंग करने के लिए तो ओपन इग्नाइटर ऑयल सेकेंडरी सोलेनॉइड वाल्व, अच्छा ऑयल का जो वाल्व है ओपन होना चाहिए, फिर डिटेक्ट इग्नाइटर ऑयल फ्लेम, फिर इसके बाद ऑयल फ्लेम डिटेक्ट होना चाहिए, फिर फायरिंग स्टार्ट होना, फायरिंग पोजीशन लेना चाहिए, ऑयल फ्लेम डिटेक्टर होना चाहिए, क्लोज मतलब ऑयल हो जाता है स्टार्ट, उसके बाद क्लैक क्लोज आईओटीवी सॉरी नेटवर्क, मतलब ऑयल स्टार्ट हो जाता है, फ्लेम स्टार्ट हो, उसके बाद हम कोल स्टार्ट करना स्टार्ट कर दें, कोल फिटिंग करना स्टार्ट कर दें, तो उसके बाद हम कोयल ऑयल एलिवेशन बंद कर दें। एक बार अगर ऑयल हम क्यों देते, ऑयल देते इसीलिए कि पहला मतलब आग जल जाए, उसके बाद पहला तो कोल में हम डायरेक्ट आग नहीं लगा सकते, तो क्या हो जाता है, हम पहले के ऑयल के मदद से हम आग चालू कर लेते हैं, उसके बाद कोल फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल पूरा नहीं जलाते क्योंकि ऑयल का कॉस्ट है भी मतलब कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम ऑयल ज़्यादातर ऑयल बस स्टार्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑयल अगर एक बार आग जल गया, फ्लेम डिटेक्ट हो गया, उसके बाद धीरे धीरे हम कोल एलिवेशन करना स्टार्ट, कोल एलिवेशन में कोल फिट करना स्टार्ट करेंगे और ऑयल एलिवेशन में ऑयल बंद करना स्टार्ट करेंगे। ओके, कोल एलिवेशन लॉजिक, कोल एलिवेशन लॉजिक में आपको दिखेगा जैसे कोल का जितना सारा एलिवेशन ए बी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, उसके बाद ए एलिवेशन का लॉजिक जो दिख रहा है कोल एलिवेशन, तो भैया कोल बंकर है, ठीक है, कोल बंकर से आपका कोल कॉन्वेयर से आया, फिर ये कोल मिल है, ये कोल मिल से गिरा, कोल मिल से गिरने के बाद जो चार चार जो
पाइप निकला, चार पाइप चार कोने में गया, चारों एलिवेशन में, कोल एलिवेशन ए में गया, एक तीन, एक दो तीन चार, चार एलिवे चारों एलिवेशन में गया। तो उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, ये जाता है आपका सीलियर फैन का जो है, इसमें सील करने के लिए। और उसके बाद सीलियर फैन, सॉरी सीलियर फैन ये आता है यहाँ पे, और ये कोल्ड कोल्ड एयर आता है क्योंकि कोल्ड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्म हो जाता है कोयला, कोल अगर गर्म मतलब ज़्यादा गर्म हो जाता है, आग ना जल जाए, तो कोल्ड एयर करने के लिए। उसके बाद और कुछ नहीं, कोल एलिवेशन है। कोल एलिवेशन लॉजिक में आपका जैसे कि पल्वराइज, पल्वराइज ऑफ स्टार्ट लॉजिक, मतलब कोल पल्वराइज होने का जो लॉजिक क्या क्या है। पीए प्रेशर, अवेलेबिलिटी ऑफ पीए परमिट, पीए का जो परमिट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इग्नाइट इग्निशन परमिट, इग्निशन परमिट, अवेलेबिलिटी ऑफ इग्निशन परमिट, इग्निशन का भी परमिट होना चाहिए, मतलब इग्निशन इग्निशन हो रहा है, मतलब बॉयलर में ऑलरेडी फ्लेम है और इग्निशन चल रहा है, तो उसके बाद ये वाला परमिट आ जाता है, तो पल्वराइज स्टार्ट होता है। सील एयर फैन का जो डिफरेंस है ये होना चाहिए। उसके बाद नो एमएफटी, एमएफटी ऑपरेट नहीं हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ऑयल प्रेशर एडुकेट होना चाहिए। उसके बाद जो है पल्वराइज, पल्वराइजर स्टॉप लॉजिक, पल्वराइजर स्टॉप लॉजिक नहीं होना चाहिए। और फीडर स्टार्ट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, फीडर स्टार्ट करने के लिए पल्वराइजर ऑन होना चाहिए, और पल्वराइजर का आउटलेट टेम्परेचर एडुकेट होना चाहिए, फीडर का आउटलेट टेम्परेचर, और स्पीड मिनिमम होना चाहिए, जो फीडर का जो स्पीड है ये मिनिमम होना चाहिए। और एम एफ टी सब में एमएफटी का प्रॉब्लम, नो एमएफटी होना चाहिए, फीडर स्टॉप लॉजिक और हेडर एडुकेट लॉजिक। पल्वराइजर लॉजिक में जैसे कि क्या होना चाहिए, पी एफ एन ऑन होना चाहिए, पी एफ एन का हेड प्रेशर कितना होना चाहिए, 560 mm डब्ल्यू सी एल, एम एम डब्ल्यू सी एल मतलब mm ऑफ वाटर कूलम, डब्ल्यू सी एल मतलब वाटर कूलम, 560 का ऊपर होना चाहिए, और पी ए का परमिशन होना चाहिए। ठीक है, मील परमिशन में क्या क्या होना चाहिए, मील परमिशन में जाए 30% ऑफ बॉयलर लोड, ठीक है, बॉयलर 30% लोड होना चाहिए, मतलब क्या होता है, ऑयल फायरिंग जो होता है, ऑयल फायरिंग है 30% और लोड ले लेता है। उसके बाद है एडजस्ट मील फायरिंग, मेल फायरिंग के बाद एंड गेट में है, कोई भी अगर दोनों एक नहीं होगा तो ये नहीं होगा, मतलब दोनों ऑन होना चाहिए, मतलब 30% लोड होना चाहिए और मेल का फायरिंग होना चाहिए, उसको एंड गेट में और गेट में आता है। फिर इंटरमीडिएट ऑयल बर्नर एलिवेशन लॉजिक फॉर, मतलब ऑयल बर्नर जो है, मतलब ये हो जाता है, मतलब बॉयलर 30% लोड है और मेल का भी चालू है, ये दोनों हाई है, उसके बाद और गेट में जाता है, मतलब ऑयल एलिवेशन फायरिंग चल रहा है, फायरिंग चल रहा है, तो एंड गेट में आता है, फिर पी एफ एन इन सर्विस, पी एफ एन सर्विस होता है, उसके बाद एंड गेट में मील चलता है। ठीक है, तो मील चालू करने के लिए मील लुबाइल प्रेशर एडुकेट होना चाहिए, मील का जो लुबाइल का प्रेशर मतलब लुब्रिकेशन के लिए, स्टार्ट परमिशिव, स्टार्ट परमिट फॉर्म एफ ट्रिपल एस, अच्छा एफ ट्रिपल एस का जो एक परमिशिव है ये एनो कॉन्टैक्ट, हाँ इन्हें कॉन्टैक्ट यूज किया है, आप परमिशन है तो एनसी होगा। ठीक है, उसके बाद कि मिल डिस्चार्ज वाल्व ओपन होना चाहिए, मिल का जो डिस्चार्ज वाल्व है ओपन होना चाहिए, मिल आउटलेट टेम्परेचर 93 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए, कोल्ड एयर गेट ओपन होना चाहिए, कोल्ड एयर गेट ओपन मतलब कोल्ड एयर अगर नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर कोल्ड एयर नहीं आ रहा है तो मील में कभी भी आग लग सकता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो कोल कोल क्या है, फ्यूल है, फ्यूल अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो आग लग जाने के चांसेस है, तो इसीलिए हम कोल्ड एयर रखते हैं, अगर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए कोल्ड एयर यूज़ करते हैं। और ट्रैम्प आयरन वाल्व ओपन मतलब टॉप रिजेक्शन, अच्छा रिजेक्शन गेट ओपन होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रिजेक्शन आ रहा है, मतलब जैसे कि कोल में अगर कुछ पत्थर वत्थर आ जाता है तो उसको रिजेक्शन गेट ओपन होना चाहिए। फीडर इनलेट गेट ओपन, फीडर जो कोल फीडर
फीडर का इनलेट गेट, मतलब कोल जहाँ पे फीडर में गिरेगा वो वाला गेट ओपन होना चाहिए। सीलिया प्रेशर एडिक्वेट होना चाहिए 200 mmWcl। फीडर लोकल स्विच रिमोट में होना चाहिए। फीडर को जो स्विच है, जो सिलेक्टर स्विच है, वो रिमोट में होना चाहिए। ठीक है, ये सब अगर परमिट है तो फिल तो फीडर गेट ओपन हो जाएगा और HAG हॉट एयर गेट ओपन हो जाएगा, तो मिल सर्विस में आ जाएगा। ये मिल सर्विस में आने से पहले और एक आपको समझना पड़ेगा, जो मिल का कोल फायरिंग है, ऑयल फायरिंग बर्न, ऑयल फायरिंग तो चल रहा है, अगर ऑयल फायरिंग से आपको कोल फायरिंग में ले आना है तो कैसा उसका प्रोसेस है। जैसे कोल फायरिंग का जो हमारा एलिवेशन है, ABCDEFGH एलिवेशन है, तो उस एलिवेशन कैसे चालू करेंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट है। जैसे कि आपको मिल ए चालू करना है, जैसे कि कोई जैसे मिल ए चालू करना है, पहले कोई भी अगर ये पहले देख लेते हैं, बॉयलर लोड 30% से ज़्यादा होना चाहिए और कोल एयर जो बर्नर है वो एडजस्ट लोअर पोजीशन में एडजस्ट होना चाहिए, मतलब कोल फायरिंग एंगल हम चेंज कर सकते हैं ना, तो वो लोअर एलिवेशन में होना चाहिए, 30 डिग्री प्लस माइनस होता था, है ना। तो एग्जांपल जैसे कि मिल ए आपको चालू करना है, उसका परमिशन क्या होगा, कोई जो ऑयल जो फायरिंग हो रहा है चार कोने में, मतलब फोर कॉर्नर में आपका तीन कॉर्नर आपका जलना चाहिए, कोई भी तीन कॉर्नर जल, चार कॉर्नर जले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तीन कॉर्नर कोई भी जलना चाहिए तो ऑयल फायरिंग आप कोल फायरिंग आप कर सकते हो। दूसरा और क्या है, मिल बी फायरिंग का एंड गेट में है एंड बॉयलर 30% से लोअर से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही सब में है, कोल फायरिंग सब में है, ABCDEFGH ये सब में है। चलिए, थैंक यू, और आज की वीडियो FTPLS का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और आप लोगों के लिए कोई अगर सजेशन है, कुछ गलती हो गई तो आप कमेंट बॉक्स पे आप टाइप कीजिए, और अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए, या कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो आप देखना चाहेंगे तो वो भी कमेंट बॉक्स से टाइप कीजिए, तो अगला वीडियो हम उसी के ऊपर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और थर्मल पावर प्लांट रिलेटेड हम वीडियोस स्लाइड अप देखते रहिए। थैंक यू।